माता का मंदिर है, जय देवली माँ। यही हम लोग के मंदिर का सामने से नज़ारा कुछ ऐसा है। ये बड़ा सा घंटा और सामने में घड़ी है। ये देखो एक्सीडेंट, बस बहुत सॉलिड कार एक्सीडेंट है यार। मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक लाइव मतलब देख रहे थे, लग रहा था। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अमित प्रधान एंड वेलकम टू प्रधान ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज संडे और आज हम लोग जाने वाले एक बहुत ही झारखंड के फेमस मंदिर, जो कि है देवड़ी मंदिर, जो कि हमारे बरियातू से गूगल मैप में दिखा रहा है लगभग 52 किलोमीटर। तो आज हम लोग का टूर होने वाला है थोड़ा लंबा, क्योंकि 50 से 55 किलोमीटर जाना और आना, मतलब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और मेरे साथ होगा भाई मेरा दोस्त अपना राहुल, और आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की राहुल के रूम से ही। तो वो चलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारा देवड़ी मंदिर कैसा है। एंड हम लोग बहुत साल हो गया लगभग गए हुए, मुझे याद भी नहीं कि मैं लास्ट बार कब गया था वहाँ पे। तो चलो, आई होप कि देवड़ी माँ का दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए और आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ कि देवड़ी मंदिर अभी कैसा दिख रहा है या कैसा बना है। तो चलो, लव यू गाइस एंड जोहार झारखंड। फाइनली कुछ भी हो जाए शोरूम हम लोग को आना है भाई, सी एन ऑनडा लाख मजबूरी से। मगर ये ओ इसका हेलमेट के चलते आना पड़ा शोरूम। चलो निकलते। तो फाइनली कांटा टोली पहुंच गया। चलो अब गाड़ी धरा दी इसको, ये तभी से पार नहीं कर पा रहा था, ये मोटा जा रहा। और ये देखो, अरे ये सब क्या कटवा रहे लेंगे कहाँ आने टाइम में। तो काफ़ी दिनों के बाद निकले गाइस, बहुत मज़ा आ रहा था उसको, क्योंकि एक अलग ही अनुभव लगता है जब ऐसे हम लोग घूम। तो फाइनली नामकुम को पार कर गए हम लोग। अब हम लोग जा रहे सीधा, देखो अब जा रहा हूँ 49 किलोमीटर। तो जर्नी इज ऑन। तो फाइनली अभी हम लोग रुके थे एक दुकान पे, जहाँ थोड़ा लग रहा था पानी प्यास, इसलिए सोचे चलो क्यों ना पानी ले लीजिए। अरे मोटू को आज के दिन भी कस्टमर परेशान कर रहा है, चलो होने दो, उसके बाद निकला जाए देवड़ी माता के पास। चलिए तो रामपुर पार करके हम लोग पहुँच गए ये रिंग रोड। ये देखो अभी भी बन ही रहा है यार, मगर मस्त, कितने सालों के बाद देख रहे हैं। चलो चलना सीधा देवड़ी माता। चलिए हम लोग आ गए रिंग रोड में और हम लोग अभी पहुंचने वाले, मगर राहुल को थोड़ा सा क्या बोलूं, मगर ये देखो यार हम लोग का झारखंड का सीनरी, वाह पूरा एकदम मस्त। हमारा घाटी पहुंच गए एक टाइम, ये बहुत ही भयानक मतलब एक्सीडेंट होता भाई। फाइनली तमाल से पहले हम लोग को पेट्रोल मिल गया यार, हमको लगा बसंती कहीं फंसा ना दे भाई। फाइनली पहुंच गए पेट्रोल पंप के पास, तमाल से जस्ट थोड़ा सा किलोमीटर कुछ किलोमीटर पहले भी मिला। तो चलो बसंती के लिए तेल बेचारी पूरी भूखी यार, तो उसको फुल कर देना है। ना पी गया यार, 4 लीटर हो गया। फाइनली बसंती का पेट भर गया। से ही सोच के निकले थे दोस्तों कि तेल भरना है, मगर एकदम हम लोग घाय घाय में एकदम दिमाग से ही उतर गया कि तेल नहीं भरे। एंड कांटा पूरा नीचे हो गया था एकदम हाफ से, मगर अभी मेरे मोटू को ने फुल किया ये टंकी, 420 रुपये में फुल हुआ ये टंकी। एंड आपको दिखाता हूँ मेरे टंकी का भी हाल, ये देखो ठीक है ना। अंदर शोरूम में कोई नहीं है, पूरा कांटा फुल, अब चलने में तमाड़ मजा आएगा। ये देखो एक्सीडेंट, बस बहुत सॉलिड बहुत भयानक मारा है, फंस गया है पूरा एकदम। एक्सीडेंट देखो यार, जोरदार मारा टक्कर, बैग में तो पूरा हिला दिया। किसी को कुछ हुआ नहीं, मगर देख बाप रे बाप, ये एक्सीडेंट देखो यार, बीच रोड पे पूरा गाड़ी मतलब आगे वाला गाड़ी रुका और उसका पीछे पूरा देखे, ये ठीक है नतीजा, बाप रे बाप। चलो यार माता रानी, अब देखते हैं हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, पुलिस वुलिस जो करना होगा करेगा,
मगर भाई इसीलिए रिंग रोड भाई संभल के रहो। चलो तो यार हम लोग चलते हैं, पार हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कार एक्सीडेंट है यार, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक लाइव मतलब देख रहे थे, लग रहा था किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ हुआ, एकदम एक गाड़ी तो पूरा चढ़ गया ऊपर, और बस यही पता चला कि किसी का जान उनका तो नहीं हुआ खतरा, मगर भाई यही है रिंग रोड, ये सब देखने को आपको मिलता रहेगा। चलो बेटर पास चलते हैं देवड़ी माता के पास। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले देवड़ी माता के मंदिर, ये देखो वो है देवड़ी माता का मंदिर, और हम लोग को कहीं पार्किंग लगाना होगा। चलो जल्दी मिलते हैं माता से। वो मम्मा का द्वार पहुँच गया देवड़ी माता मंदिर, और पार्किंग में गाड़ी लगा लेते हैं, पहले देखते किधर लगाना है, क्योंकि हम लोग को पूजा करने के लिए सामान भी लेना है। और ये माता का मंदिर, ये देखो। चलो गाड़ी पहले लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फाइनली हमने लगा दिया अपना गाड़ी, और यहीं पे पूजा का सामान वामान ले लेते, क्योंकि सुबह से कुछ खाए भी नहीं है यार सीरियसली पूजा करने के लिए। चलो पहले मंदिर चलते। यहीं पे हेलमेट और अपना जूता रख दिया जाए आराम से, क्योंकि मम्मा के पास चलना है तो नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। ये देखो मोतू ने भी खोल दिया। चलो ये सब है ना, ये देखो पेड़ा वाला सब 151 रुपये का, क्या बोलता है। हमने ले लिया प्रसाद जो कि 151 रुपये का पूरा सेट था, और चलो माता के मंदिर। यहाँ का कुछ सीनरी दिखाते हैं आपको सीन, जैसा कि संडे आज तो इसलिए थोड़ा भीड़ आप देखने को देख सकते हैं, भीड़ खिंचा लेंगे दोस्त, पहले कर लेते पूजा। नहीं अभी नहीं, थोड़ा देर दोस्त, कितना रुपये में? 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 3 सच करता है। नहीं अभी छोड़ दो, अभी नहीं दोस्त। और ये देखो ये कुछ माता का मंदिर है, जय देवड़ी माँ। यही हम लोग के झारखंड का सबसे बहुत ही मतलब प्रख्यात मंदिर देवड़ी मंदिर। चलो अंदर चलते दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे, क्योंकि आज संडे है बोल के थोड़ा भीड़ भाड़ भी है। माता का अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखो रेलिंग उलिंग बना दिया गया दो लाइन में है। तो ये देखो क्या बहुत सालों के बाद आ रहे हैं मंदिर, और यहाँ संडे बोल के भीड़ भी है और पूजा पाठ भी चल रहा है। और मंदिर के बारे में क्या कहूँ, यहाँ मान्यता है कि अगर जो भी चीज़ मांगो तो वो पूरी ज़रूर होती है। तो आज हम लोग आए बहुत सालों के बाद देवड़ी माँ के मंदिर, ऐसे अंदर का तो फोटो जहाँ तक मुझे पता लेने नहीं दिया जाता है। ये मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, और अभी बस थोड़ा डेकोरेशन कर दिया गया है, और लाइन अभी लंबा है, तो चलो देखते हैं अंदर क्या होगा। देखो घड़ी लगा हुआ है, 1:30 बज गया उसमें, मतलब 1:30 बजे हम लोग पहुँचे, और पीछे देखो और भी लाइन लग गया है। चलो देखते धीरे धीरे कब पहुँचेंगे माता को प्रसाद चढ़ाना है। मंदिर का सामने से नज़ारा कुछ ऐसा है, ये बड़ा सा घंटा और सामने में घड़ी, और अंदर में ऐसे फ़ोटो लेना मना है, इसीलिए बाहर से ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये मंदिर। जय देवड़ी माँ। फाइनली हो गया हम लोग का पूजा, देखो हमने लगा लिया टीका मम्मा का, और अब आपको यहाँ का मौसम सॉरी यहाँ का आपको सीन दिखाएंगे। चलो तो देखो अभी भी थोड़ा बहुत भीड़ बाकी है, हम लोग का तो पूजा हो गया। जय देवड़ी माँ। फाइनली हम लोगों ने कर लिया पूजा, और बहुत मस्त लग रहा है मंदिर यार, ये देखो बहुत सालों के बाद आ रहे, बहुत कुछ बदला भी है, जो कि ये सब रेलिंग उलिंग उस टाइम नहीं था जिस टाइम मैं आया था। एंड अच्छा है, भीड़ भाड़ हो जाएगा तो किसी को पूजा पाठ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देखो पीछे से ऐसा है माँ का मंदिर, बहुत मस्त फीलिंग लग रहा है। और ये बच्चा पट्टी गिरा मत देना प्रसाद, और ये है घंटी, ऐसा हमने घंटी नहीं बजाया, घंटी वहाँ जाके बजाएंगे। चलो क्या मस्त है, ये देखो बाहर का सीन कुछ ऐसा। अरे चेंज तो सब दे दिया अंदर, अंदरे दे दिए दीदी, अब कहाँ करे गूगल पे। ये देखो ये कुछ नज़ारा ऐसा, तो थोड़ा देर हम लोगों ने खिंचा लिया अपना फोटो। अब मोटू मेरा भाई, देखो मोटू इधर, ये देखो भाई का हो गया पूजा। जय देवड़ी माँ, और पीछे में माता रानी देखो। और चलो अब हम लोग नारियल फोड़ने चल रहे हैं, ये देखो यहीं पे फोड़ते हैं नारियल सारे लोग। चलो हम लोग के पास भी अपना नारियल, तो पहले फोड़ लेते हैं, फोड़ने के टाइम Thank you.
यहाँ दिया नहीं सर, यहाँ बाहर फाइनली निकलोगे किधर चलेगा? और कुछ करना है कि हो गया? और ये है बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा, ये देखो यहाँ पे आपको फ़ोटो वोटो खींचने के लिए भी 20-30 रुपये में आपको मंदिर के साथ फ़ोटो आराम से खींचने को मिल जाएंगे खींचने वाले लोग। और ये देखो माँ का दर्शन। चलो थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लिया जाए। तो फ्रेंड वहाँ से आके यहाँ पे घूमने का बहुत मज़ा आया। हम लोग बरियातू से लगभग 50 से 55 किलोमीटर के बीच की दूरी थी, जो कि बहुत मज़ा आया। एंड माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे दोस्तों। और से इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है देवड़ी मंदिर का, बहुत मस्त। और जगह जगह दुकान वकान है, यहाँ पे आपको ऐसे फ़ोटो खींचने वाले लोग दिखेंगे। एंड ये देखो माँ देवड़ी पूजा भंडार, यहाँ से आप अपना कुछ माला वाला कुछ शॉपिंग ये सब करने के लिए सब जगह दुकान लगा हुआ है छोटा मोटा। चलो क्या कहूँ इस जगह के बारे में, मैं बहुत सालों के बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और देवड़ी माता का आज फाइनली दर्शन हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से बोल रहे थे हम और राहुल कि सैलरी आएगा तब जाएंगे, ये आएगा वो आएगा, बट फाइनली धनतेरस और ये जब छठ खत्म हुआ हम लोग फ्री हो गए और संडे को मिल गया इसको भी फ्री। तो जय माँ देवड़ी, जय माँ देवड़ी। चलो तो हो गई। और ये देखो यहाँ पे कुछ बाहर का नज़ारा, ऐसे फ़ोटो वोटो खींचने के लिए मिल जाएंगे ये लोग। ये लोग आपको 30-40 रुपये तक में आपको फ़ोटो आराम से अच्छा सा निकाल के दे देंगे 5 से 10 मिनट में। और ये देखो ये कुछ नज़ारा मंदिर का, मंदिर में काफ़ी कुछ सुधार दिया गया है। तो फाइनली यही था हमारा माता का मंदिर, जो वैष्णो देवी मंदिर है, जो कि तमाड़ में लगभग 50 से 52 किलोमीटर बरियातू से हम लोगों को पड़ा। थोड़ा हम लोग आगे ज़रूर निकल गए थे क्योंकि रिंग रोड भी बन गया आगे में, मगर ये देखो यार मस्त। चलो चला जाए बाहर, हो गया अब हम लोग का पूजा पाठ। और पहले बहुत पहले आए थे तो अभी बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। ऐसे एक बार यार माता को छोड़ के जाने का इच्छा तो नहीं करा, बट शाम भी होने वाली है और हम लोग को भी जाना पड़ेगा घर अपना। चलो और कुछ बाहर जाने का कुछ ऐसा है हाल, ये देख सकते हो आप अभी सब। मतलब दुकान पहले बहुत ज़्यादा था, मगर अभी थोड़ा कम हो गया है दुकान, और सबको सेपरेट कर दिया था, गाड़ी उड़ी लगाने के लिए कर दिया है। यहाँ होटल भी है कुछ, आप मीठा उठा कुछ नाश्ता वास्ता करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था हम लोग का देवड़ी माता का मंदिर, और दोबारा मिलेंगे। तो मम्मी का पूजा हो गया है देवड़ी माता, और हम लोग बाहर निकल गए और अपने गाड़ी को मीन्स अपने बसंती को ले लेते हैं, प्रसाद वरसाद पैक करते हैं, उसके बाद चलो निकलते हैं यहाँ से। निकाल दिया हम लोग का, थोड़ा मोटू को भी दे देते, मैंने तो खा लिया। जय देवी माँ। तो मैंने माँ की चुनरी एक बांध दी अपनी बसंती के ऊपर, ताकि इसको भी कहीं नज़र ना लगे और माँ इस पर भी कृपा बनाए रखे, और इसी के थ्रू जब हम घूमते हैं तो हम पे भी कृपा बनाए रहेगा। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से। तो फाइनली बाय बाय माता, जा रहा हूँ, फिर से दोबारा आएंगे हम लोग ज़रूर। अब चला जाए अपना रांची, रांची नहीं देखते, रास्ता में पड़ता है सूर्य मंदिर, तो हो सकता है सूर्य मंदिर भी घुसेंगे।